नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर स्टेटिस्टिक बुक चल रही थी, जिसके अंदर 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे। ये सातवां और आखिरी चैप्टर है प्रैक्टिकल का। इस चैप्टर का नाम है अंतर्वेशन एवं बहिर्वेशन, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं। दो सीमांत बिंदुओं के मध्य का मूल्य ज्ञात करना अंतर्वेशन कहलाता है। दो सीमांत बिंदु हो, उनके मध्य का मूल्य ज्ञात करना अंतर्वेशन है, और वही दो सीमांत बिंदुओं के बाहर का मूल्य ज्ञात करना बहिर्वेशन कहलाता है। ये तो ठीक इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसकी विधियाँ। अंतर्वेशन एवं बहिर्वेशन की कितनी विधियाँ हैं? इसकी दो विधियाँ हैं, एक तो है ग्राफिक रीतियाँ, दूसरी है बीजगणितीय रीतियाँ। ग्राफिक रीतियों में क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू की हमें जांच करनी पड़ती है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालना पड़ता है, तो हम ग्राफिक रीतियों का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर हमने पूर्व के पाठ में पढ़ा था मध्य का चतुर्थक, माध्य, माध्य का बहुलक और विस्तार, ये सब पढ़े थे। ये सब एग्जैक्ट वैल्यू के मतलब मूल्य निकालने के लिए प्रयुक्त रीतियाँ थी, जो सारी की सारी ग्राफिक रीतियों के अंदर शामिल होती हैं। और जो बीजगणितीय रीतियाँ हैं, दूसरा मेथड है बीजगणितीय रीतियाँ, इसके अंदर तीन विधियाँ हैं, द्विपद विस्तार रीति, न्यूटन की प्रगामी रीति और तीसरी है लांगराज की रीति। बाइनेमियल एक्सपेंशन मेथड, न्यूटन एडवांसिंग मेथड, लांगराजेस मेथड। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये तीन विधियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्राफिक रीति हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ ली थी। तो सबसे पहले हम द्विपद विस्तार रीति, न्यूटन की प्रगामी रीति और लांगराज की रीति के फॉर्मूले हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं फॉर्मूलों पर। हाँ, तो दोस्तों देखते हैं द्विपद विस्तार रीति के फॉर्मूले किस प्रकार से बन सकते हैं, हमें किस प्रकार से याद करने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो दो बातें हैं वो है एक्स चर के अंदर अंतर समान होना चाहिए, एक्स चर में अंतर्गण पद एक्स के क्रम में से एक हो, कि एक्स का जो क्रम है उसी में से एक हो, तो उसी को हमें फाइंड करना है। तो इसके अंदर जैसे हमें 5 का जो ज्ञात मूल्य है उसका द्विपद करना है, तो जो बाकी के जो पद हैं उनको हमें शून्य मानते हुए चलना है। तो ठीक है, अब मैं आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो बनाने सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए 5 का ज्ञात मूल्य द्विपद करना है, तो डेल्टा 5 0 बराबर y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0। अभी देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ y5 और यहाँ पे y के नीचे 4, फिर y के नीचे 3, फिर y के नीचे 2, y के नीचे 1 और y के नीचे 0। तो ये ऐसे चलता जाएगा। अगर 5 का पूछ रहा है तो 5 4 3 2 1 0, अगर 4 का पूछे तो 4 3 2 1 0, अगर 3 का पूछे तो 3 2 1 0। ये y का जो वैल्यू है y3 से स्टार्ट होगा, y2 y1 y0, अगर 2 का पूछे तो y2 y1 y0। इसी प्रकार डेल्टा 6 0 यानी 6 का पूछ रहा है तो y6 y5 y4 y3 y2 y1 y0, 7 का पूछे तो y7 y6 y5 y4 y3 y2 y1 y0 हो गया, उसके बाद में 0। तो इस प्रकार से चलेंगे। बाकी आपको ये क्या है, थोड़े से रटने पड़ेंगे फॉर्मूले द्विपद के। तो डेल्टा 5 0 का, अगर डेल्टा 4 0 का देखिए, y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 4y1 प्लस y0। इसी प्रकार y3 डेल्टा 3 0 देखिए, y3 और 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 इज इक्वल 0। इसी प्रकार डेल्टा 2 0 बराबर y2 माइनस 2y1 प्लस y0 इज इक्वल 0। डेल्टा 6 0 इज इक्वल y6 माइनस 6y5 प्लस y15 y4 माइनस 20y3 प्लस 15y2 माइनस 6y1 प्लस y0 इज इक्वल 0। डेल्टा 7 0 y7 माइनस 7y6 प्लस 21y5 माइनस 35y4 प्लस 35y3 माइनस 21y2 प्लस 7y1 माइनस y0 इज इक्वल 0। तो ये आपको क्या है, ये जो चर है इनके अंदर जो संख्या दी रखी है आपको, अंक है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। और ये सारे फॉर्मूले, ये 2 3 4 5 6 7, ये याद करने पड़ेंगे। इन्हीं के आधार पर आपके द्विपद विस्तार रीति के जो एग्जांपल हैं, जो क्वेश्चन आंसर है, वो सॉल्व होंगे। अब चलिए बात करते हैं न्यूटन की प्रगामी अंतरण रीति के फॉर्मूलों की। दोस्तों, न्यूटन की प्रगामी रीति का जो फॉर्मूला है वो है y x, मतलब x की जगह कोई भी वैल्यू आपको दी हुई रहेगी, जैसे 5 4 3 2 जो भी दिया हुआ रहेगा वो आपको फाइंड करना है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, y x बराबर y 0 प्लस, यानी जो भी यहाँ पे 5 दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे y 4 करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो आगे आप एग्जांपल में देखोगे। तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बार, y x बराबर y 0 प्लस x डेल्टा 1 0 प्लस x में से 1 हटाना, x माइनस 1 बटे 1 इंटू 2 डेल्टा 2 0 प्लस x में से 1 हटाना, x में से 2 घटाना बटे 1
टू थ्री इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और डेल्टा 30। इसी तरह ये क्रम आगे तक चलता जाएगा, जहाँ तक आपको दिया हुआ रहेगा वहाँ तक आपको करना है। लैग्रांज की रीति जो तीसरा फॉर्मूला है वो देखिए, वाई एक्स बराबर जैसे वाई थ्री तक आपको फाइंड करना है, तो वाई थ्री से वाई थ्री और उसके बाद एक्स में से एक घटाना, एक्स में से एक्स टू घटाना, इसी तरह ये क्रम आगे चलता जाएगा। फिर एक्स जीरो में से एक्स वन घटाना, एक्स जीरो में से एक्स टू घटाना, इसी तरह ये क्रम भी चलता जाएगा। तो वाई थ्री फाइंड करना है तो वाई थ्री, फिर वाई टू और वाई वन, इसी प्रकार से ये क्रम आगे तक चलता जाएगा। वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई वन के अंदर एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स टू, इसी तरह ये क्रम आगे चलेगा। नीचे बट्टे में एक्स वन में से एक्स जीरो घटाना, एक्स वन में से एक्स टू घटाना, इसी तरह ये क्रम आगे चलेगा। जैसे आपने यहाँ पे एक्स जीरो लिया था तो यहाँ आपको एक्स वन लेते हुए आगे क्रम को बढ़ाना है। इसी प्रकार वाई एन यानी अनंत जहाँ तक आपको दिया रहेगा वहाँ तक आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये एग्जांपल है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, जब आपको एग्जांपल करवाए जाएंगे तब आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो क्लियर कट हो जाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ ये कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको थोड़े याद करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम द्विपद, न्यूटन और लैग्रांज की रीति के कुछ एग्जाम्पल और कुछ सवाल करेंगे जिनसे आपकी ये फॉर्मूले हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।